वीडियो और आपका आज की वीडियो में स्वागत और है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसे सजेशन हमें दी है आदित्य ने, लेकिन वीडियो देखने से पहले कि हम कौन सी वीडियो देखने जा रहे हैं, मैं शाउट आउट देना चाहती हूँ श्री कृष्णा चौधरी जी को जिन्होंने हमें ई मेल लिखी, थैंक यू सो मच। और उसके साथ ऋषि वधवानी को थैंक यू सो मच ऋषि, आप लोगों का प्यार हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी होता है और आप लोग अपना कीमती टाइम निकाल कर हम लोगों को ई मेल लिखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। वेल अब मौसम से पूछेंगे टाइटल है टीशर जैसन डिरुलो जलेबी बेबी, ये वैसे जलेबी बेबी बहुत ज्यादा फेमस है। वेल देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो का चैनल का विजुअल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सब्सक्राइब कर लाइक कर शेयर कर फॉलो कर इनके चैनल को, उसके अलावा मैं ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सब्सक्राइब कर लाइक कर शेयर कर फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। हे टेशर, डिड यू पिक अप द जलेबीज? वी आर वेटिंग ऑन यू, वी हैव अ स्पेशल कस्टमर हु जस्ट पुट एन ऑर्डर इन, हरी अप नाउ। Yo, is she still here? Yeah, she's still here. I'm going in. Oh, no, my brother. I'm going in. Go to lunch. Yo! Sheesh. You know I came in for the cake. Looking at money ain't the only thing I chase down. She ain't see the stars in the race. So then she got in that motherfucker, had her face down. That my type, my sweetie. Go be wifey, if she freaky. Hell of a night, blowin' money like Monopoly. I'm a dog, kill a kitty, no apology. I know that you wanna get crazy, crazy. Shawty, take it slow, then chitty, chitty. Come on, baby, be my jelly. Hey, baby, let me see it. Jalebi, baby, I just wanna eat it. Jalebi, baby, baby, let me see it. Jalebi, baby, oh, I really need it. Jalebi, oh, baby, let me see it. Jalebi, baby, I just wanna eat it. Jalebi, I know the things that you like. Tell me how you feel. Looking like a movie star, doing it for reals. Looking like a snack, looking like a whole meal. Gucci and Chanel with your red bottom heels. Ice drip like Bonnie. Barney Jackson, Getty Donny. Shawty bad, she my divani, Mastani. Light it up from Hollywood to Mohali. Tesher and Derulo, it's a worldwide party. I know that you wanna get crazy, crazy. Shawty, take it slow, then trippy, trippy. Come on, baby, be my Jalebi, baby. You know what I say. Hey, baby, let me see it. Jalebi, baby, I just wanna eat it. Jalebi, baby, baby, let me see it. Jalebi, baby, oh, I really need it. Jalebi, oh, baby, let me see it. Jalebi, baby, I just wanna eat it. Jalebi, I know all the things that you like. Baby, let me see it. Jalebi, baby, girl, I just wanna eat it. Jalebi, baby, baby, let me. Jalebi, baby, you know I really need it. Ketchup. मैं इस गाने की बात करें तो बहुत बार जलेबी बेबी सुना है, लेकिन ये गाना है इस तरह प्रॉपर, ये मुझे आज पता चला है। हाँ, और मुझे भी यही पता चला है कि मतलब इसको देखकर कि जोमैटो की तरफ से शायद था। हाँ, मुझे लगता है जोमैटो के बीच में प्रमोशन हुई है। मुझे भी लग रहा है हाँ कि जल्दी से जो खाना है क्विक सर्विस है उनकी, लेकिन हाँ मैंने भी इतना ही सुना हुआ था जैसे जलेबी बेबी। और उसके बाद अच्छा, सबसे पहले देखा जाए तो सबसे पहले तो आई थिंक जलेबी भाई आया था जो वो
भी बहुत ज्यादा हाँ वो ही धमाल मूवी में था, संजय दत्त सर थे वो थी यार, वो बहुत फेमस एक्ट्रेस हैं, क्या नाम है उनका, वेलकम मूवी में भी है, रजिया गुंडो में फंस गई यार, क्या नाम है रजिया, इधर आप होती थी मैं देख लेता हूँ उस मूवी में भी ना क्या नाम था यार, यार जेन में नाम है, अच्छा यहाँ पे भी नाम उनका नहीं लिखा हुआ, हम लोग निकालने की भी कोशिश की फिर भी नहीं आया, मलाइका शरावत, मलाइका शरावत, शुक्र याद आ गया, वैसे यहाँ पे कहीं पे नजर नहीं आया, नाम याद आ गया, अगर उनके इस गाने की बात करें वो भी गाना बहुत अच्छा है, और वैसे वो हिट भी बहुत हुआ था मेरे ख्याल में, और हम बात करेंगे वैसे तेश्वर का मुझे पहले नहीं पता था, और ना ही मैं सच बोलूंगी तो मुझे जेसन का भी दोनों का हमें मालूम नहीं पता था, लेकिन बाद में देखा तो पता चला कि जेसन जो है वो अमेरिकन सिंगर है और राइटर भी है, तो मतलब आप इसे तो बहुत सारे लोग डेफिनेटली जानते होंगे जो इंग्लिश गाने बहुत शौक से सुनते हैं, लेकिन ये कि मुझे मजा आया कि जो एक बनाया भांगड़ा, स्पेशली जब भी आप देखते हो आप लोगों को हमेशा मजा आता है भांगड़े की ना अपनी एनर्जी और यू नो मजा आता है, अच्छा वैसे जो सही डांस करते हैं ना वो जब भांगड़े के वो स्टेप वो जो लगाते हैं ना, जो इसमें भी लगाए हैं वो बहुत हाँ हाँ वो बहुत खूबसूरत लगते हैं, मैंने देखा जो मतलब वैसे आई डोंट नो वैसे हम लोग भांगड़ा कहते हैं लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को भांगड़ा वर्ड बोलते हुए देखा है, अब मुझे नहीं पता कि भांगड़ा सही वर्ड होता है या भांगड़ा सही वर्ड होता है, लेकिन पंजाबी में तो मुझे लगता है भांगड़ा ही बोलते हैं, लेकिन हाँ मैं लगता है दोनों ही जो है वो सही वर्ड है, भांगड़ा भी कहते हैं भांगड़ा भी कहते हैं, तो गाना भांगड़ा पाले आजा आजा ये वाला भी खैर अभी फिलहाल हम गाने की बात करते हैं, बेचारे दोनों ने बहुत एफर्ट की लेकिन एंड पे जो हुआ वो काफी दुख था जो उन दोनों के साथ हुआ, मैंने कहा बेचारे दोनों ने बड़ी एफर्ट की, मतलब कहने का मतलब क्या है, इतना उन्होंने गाना गाया, इतना डांस किया, दो दो बार जलेबियां मंगवाई, हाँ इतनी स्टोरी बनाई और एंड पे कुछ भी नहीं हुआ, वेल वो तो भाई उनकी किस्मत है ना, अब उन्होंने मेहनत की, अब उसके बाद अगर आपको नहीं फल मिल सका इसका मतलब आपको कोई और फल अच्छा वैसे पता नहीं क्यों जो होता है ना अक्सर औकात होता है कि जो खूबसूरत लड़कियां होती हैं ना वो चामे चामे लड़के पसंद करती हैं, ये मुझे नहीं पता ये हकीकत है, अक्सर अक्सर मॉल में भी जाए ना तो इर्द गिर्द नजर घुमा के देखे ना इतनी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां होती है, पता नहीं मेकअप करके हुई होती है या वैसे ही होती है, लेकिन उनके साथ जो लड़के बैठे होते हैं वो अजीब से ही होते हैं, वैसे आज मुझे पता चला कि मौसम जाकर ऐसे बेचारा अंदर दिल में सोचता है कि भाई कितनी प्यारी लड़की है मेरे साथ होनी, यार देखे मेरे साथ तो वहाँ पे कोई लड़की होती नहीं, मैं कल्ला जाता हूँ या इनके साथ जाता हूँ, ठीक है तो मैं भी बैठ के यही चीजें नोट करता हूँ, फ्रेंड के साथ तो जाते हो गए ना, हाँ फ्रेंड के साथ तो कोई भी नहीं जाता कहीं पर, नहीं कभी जैसे वेटिंग करनी पड़ी जाती है यार, कोई दोस्त अगर लेट शेट हो ही जाए तो वेटिंग करनी पड़ी जाती है, तो उस सिनेरियो में बात कर रहा हूँ, ओके वैसे थैंक गॉड भाई हम लोगों को ऐसी कोई भी सूचना नहीं आती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक दूसरे के साथ इंगेज होने के लिए कभी भी खूबसूरती की जरूरत नहीं होती, इंसान कितना अच्छा अंडरस्टैंडिंग है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वैसे ये जो आपने बात किया है ना ये सिर्फ किताबों की हद तक अच्छी लगती है या जो कोट्स होते हैं ना उस हद तक बहुत अच्छी लगती है, लेकिन रियल लाइफ में जब इसे अप्लाई करते हैं ना बहुत कम लोग होते हैं जो इस चीज को वाकई में इम्प्लीमेंट करते हैं, नहीं मैं ये बात कहूंगी बहुत सारे लोग करते भी हैं, क्योंकि देखो अगर तो हम बात करें ना लड़कियों की और लड़कों की, चाहे वो जिन भी लड़कियों के साथ लड़कों का, तो डेफिनेटली कहा नहीं कहीं ना कहीं पर उनको कुछ अच्छा लगता है, उनकी उनको इक्वालिटी खूबसूरती के, खूबसूरती तो एक टाइम के बाद खत्म हो जानी है ना, लेकिन ये कि आप कितने अच्छे हैं वो चीज हमेशा रहती है, आपकी आदतें आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है, तो खूबसूरती का तो मुझे लगता है कि कुछ खास है, हाँ अगर कोई अब जैसे मौजम कह रहा है कि चावा सा लड़का, ठीक है ना, हालांकि कहना नहीं चाहिए ऐसा चावा सा लड़का, लेकिन देखो वो सोचते इसको अच्छा नहीं लग रहा हो लेकिन मे भी वो किसी दूसरे को खूबसूरत लग रहा हो, तो खूबसूरती देखने वाले की आंख में होती है, ऐसे नहीं बात की गई, इसलिए मुझे लगता है कि इन चक्रों में हम लोग को ज्यादा नहीं पड़ता, बट इंसान जहर से बात हमसे बातें कर लेते हैं, गाना जिनसा था वो हम लोगों ने काफी इंजॉय किया और मुझे काफी पार्टी टाइप का गाना है, आप शादियों में काफी अच्छे से सुन सकते हैं, और वैसे भी मेरा ख्याल है जैसे भी जो है इंडिपेंडेंस डे आने वाला है तो बहुत सारे लोग जो है वो भी लगा देते हैं, पार्टी टाइप गाना है ना, अच्छा। तो जो यू नो लोग अभी शायद हम निकले बाहर तो हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे 14 अगस्त पी पी पा किस तरह लोग जो है सेलिब्रेट करते
हैं, एक टाइम वो आता है कि हाथ जोड़ के जो है ना रात के 12 बजे लो पुलिस वाले डंडे मारते हैं, जाओ आप घरों को। वेल गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी। इसी के साथ मैं जाओ मेरे वीडियो लाइक सब्सक्राइब शेयर गुड बाय।